सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने ये पॉइंट हाईलाइट किया और मेरे मुल्क का पॉजिटिव जेस्चर पेश किया दुनिया के सामने। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे मीडिया का, स्पेशली एयरवे, रॉयल न्यूज और जियो न्यूज का, कि इन्होंने अपनी एफर्ट करके हमारे मुल्क का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। अच्छा ये बताइएगा कि जो प्रियंका थे यहाँ पे जीएम बतौर प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे थे, उनका रवैया कैसा था फैक्ट्री में? तो क्या वजह थी, आप समझते हैं कि वो काम में वो सख्ती ड्यूटी के दौरान वो सख्ती अपना रुख रखते थे? जी वो मेरिट पे काम करते थे, मेरिट पे जज़ाहर इंसान कर रहा है। आप कितना अर्से से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो कितना अर्से से काम कर रहे थे? काम कर रहे हैं और मैं 2005 से अब तक 16 साल हो गया मुझे इधर काम करते। चलिए ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जन्म से अब आपको माशाल्लाह अवार्ड का भी ऐलान कर दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने इस तरह को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं ताकि इससे लोगों को मोटिवेशन मिले और इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो ना हों। अच्छा ये तो एक छत पे जब वो गए आपको कैसे पता लगा वो छत पे चले गए? माँ से पहले आप कैसे मौजूद या पहले आप उनको मौजूद थे? हम मीटिंग कर रहे थे तो मुझे कॉल वाले थे, हम कोई दूसरी मीटिंग कर रहे थे इशूज के वाले थे, क्योंकि वो जनरल मैनेजर अपने सारे मैनेजर्स को, हम डिफरेंट मैनेजर्स हैं उनको कॉल करते हैं मीटिंग में वो डिस्कस करते हैं, तो मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा था अदर इश्यूज पे, तो अचानक मुझे कॉल आई कि प्रियंका साहब ने नीचे किसी को डांटा है तो लोग ऊपर उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर गली के आगे खड़ा हो गया, फिर वो जो लोग आ रहे थे उनके आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया, जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, चल 50 से ज्यादा लोग हो गए तो फिर वो छत की तरफ ये जा रहे थे तो मैं इनके पीछे भागा। मेरे पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने उनको मारा, उनके मुंह पे चोटें आई, ब्लीडिंग हो रही थी और मैं उनके ऊपर जाके फिर गिर गया, उनको बचाने की कोशिश की, खड़ा रहा उनके ऊपर, लोग मुझे मारते रहे पीटते रहे लेकिन मेरी जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैं फिर उनके साथ खड़ा रहा और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूं, एक कलीग की जान बचा सकूं। जब मॉब ने उनको आपने बताया जैसे कि आप डाल बन के ऊपर उनको मारते रहे, उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ उधर ही होगी? मुझे मोब ने खींच के ना, काफी लोगों ने खींच के मुझे भी गिराने के नीचे कोशिश कर रहे थे, खींच के पीछे ले आए मुझे, फिर नहीं पता चला उधर पे यकीन डेथ उनकी ऊपर ही होगी। अच्छा ये बताइए कि किस बात से उन्होंने डांटा था, ये पता आपको, किस वर्कर को डांटा था, किस कौन से स्पेशल वर्कर को? वो सबको इकट्ठा करके कहते कह रहे थे कि आपने ये काम गलत किया, ये ऐसे किया, इस तरह कुछ डांटा, मुझे इसका नहीं था इलम, मैं उस वक्त मीटिंग में बैठा हुआ था, उस वक्त मौजूद नहीं था उस हाल में। तो पोस्टर जो फाड़ा गया वो उसके उसका क्या कहानी है, हुआ क्या था वो? कुछ भी नहीं, वो पोस्टर तो नॉर्मली हमारे इधर लगे होते हैं, कोई ऐसा क्यों उतारा क्यों था? वो तो सफाई के हवाले से, क्योंकि हमारे कस्टमर आते हैं तो वो ये चीजें जो है ना वो गैर जरूरी चीजें, वो मशीनें हो या एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हो जो दूसरे गवर्नमेंट पड़े वो सारे उठवा देते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि उनको वो तो पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, कुछ भी नहीं थे वो पढ़ने। अच्छा मतलब ये बताइएगा जिस तरीके से आप उनके ऊपर बिल्कुल लेट गए थे ढाल बन के, आपको इस चीज का कोई अंदाजा है था कि जिस तरह उनकी जान जाना गई है इस तरीके से आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, आपके जहन में लम्बा भर के लिए कोई ऐसे खदशात खतरात ऐसे आए थे? ऐसे खतरात आए आते तो हैं इंसान के जेल में, लेकिन हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जिससे मेरे मुल्क का साफ इमेज लोग दूसरे मुल्क में जाए, इसके लिए हम हर तरह की एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, बेशक हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम अपने मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी दे। एक और आपका वर्कर था जो हाथ पहचान में नहीं आया, वो कोई मतलब मैं भी न्यूज आए उसने किया, वो मेरी पहचान में नहीं आया, लेकिन वो भी कोशिश कर रहा था मेरे साथ हाथ जोड़ने की, मैं भी लोगों से माफी मांग रहा था, वो भी मांग रहा था, लेकिन फिर वो अच्छा मल सर ये वाकया कितने बजे का, कितने बजे पुलिस को इतला दी गई? और कितने ऑलरेडी वीडियोज पे कैमराज में डिस्कस है वो आप देखकर उनसे उधर से आप अगर ये ले लेंगे। अच्छा मल सर क्या वजह कि 15 से ज्यादा गार्ड इधर मौजूद थे लेकिन मौके पर आपके सिवा कोई भी आगे नहीं आया? लेकिन मैं भी वो गार्ड इधर पहले वो मोब सारा इधर आ रहा था ना फैक्ट्री की तरफ, ये ऑफिस एरिया की तरफ, तो वो इन चीजों को सिक्योर कर रहे थे, उनको ये इलम ही था कि ये पीछे इस तरह का कोई वाक्य रोल मॉडल। आपने इतनी कोशिश की है उनको बचाने की तो इतनी देर में आपने कोई 15 के लिए कोशिश नहीं की? और आपके जो फैक्ट्री में और इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है और इतनी सारी आपके फैक्ट्री में मुलाजमीन है, किसी ने भी आपकी इंतजामिया ने कोशिश नहीं की 15 इधर कर रहे होंगे कोशिश? अजीब रहेगा उनकी आजाद कैसी थी, कोई ऐसा पहले वाक्य कभी पेश आया वर्कर्स के साथ, वर्कर्स से नाराजगी या इस तरह कोई झगड़ा पहले हुआ? झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ लेकिन वो काम के दौरान जो छोटी मोटी हो जाती है वो हमसे भी हो जाती है, वो ऐसा किस तरह का कोई स्पेसिफाइड नहीं।
उसमें टाइम के बड़े को बंद थे, टाइम अगर लेट आता था उसकी तनख्वाह काटी जाती थी। वो तो रूल्स बना हुआ है कंपनी का, वो उनका कोई कसूर नहीं है, उनमें एक कंपनी ने रूल्स बनाया है, सिस्टम बनाया, वो सिस्टम उनके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, वर्कर के लिए हर बंदे के लिए वही सिस्टम। अच्छा ये बताइएगा मुझे जी, वो फैक्ट्री का सेकंड गेट है जो तोड़ के वो बाहर से ना, उन्होंने पहले ऊपर से चढ़ के अंदर से कुंडियां उतारी हैं, ताला तोड़ा तो फिर वो तोड़ के उधर से बहुत सारी चीजें उन्होंने उल्टा दी थी फैक्ट्री की, उधर आके दूसरे रास्ते से। तो ये बताइएगा कि वो लोग कौन थे जो बाहर से आए थे, आउटसाइडर थे, अभी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री के लोग भी शामिल हो गए थे, कुछ गाँव है सामने गाँव के लोग भी शामिल हो गए थे, कुछ रोड ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, रोड के लोग भी शामिल हो गए थे, कुछ इस तरह के लोग। कुछ इल्म है किसकी कॉल पे आए थे वो? नहीं मतलब इतना है कि आपको पहले एक या दो नंबर पुलिस का भी जो है ये वो आपके साथ चेंज हुआ है अभी तक आप मीडिया ने, मैंने इसलिए शुक्रिया अदा किया कि मेरी मीडिया ने कम से कम रियलिटी जो है ना लोगों के सामने पेश की है, जिससे सारे वाकया जो है ना वो बेहतर तरीके से चलने शुरू हो गए, मीडिया ने रियलिटी पेश की।